हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देखी। इसके पहले भी हमारे कक्षाएं हो चुकी थी भारतीय राज्य व्यवस्था पर, जिसमें हमने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति शक्तियाँ, राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया इत्यादि पर बात कर चुकी थी। आप पहले वो वीडियो देखिए, उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। वहाँ पर जाइए, आप क्लिक करिए, वीडियो देखिए, ठीक है। और पिछली कक्षा में वीटो के बारे में देखा था कि भारत में कितने प्रकार के वीटो होते हैं, आत्यंतिक, निलंबकारी, जेबी, ठीक है, और कौन सा यूज़ नहीं होता, विशिष्ट वीटो यूज़ नहीं होता, ठीक है। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियाँ। क्या देखेंगे? राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्तियाँ, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। तो देखेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, कब लाया जाता है, इसे कौन लाता है, इसकी अवधि क्या है, इसके मूल्यांकन करेंगे, इसके आलोचना देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ठीक है, जिससे इस चीज़ को समझने में आसानी होगी, ठीक है। पहले तो हम बात करेंगे कि कार्यपालिका क्या होती है। देखो, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका। ये तीन होता है, ठीक है, न्यायपालिका। विधायिका में कौन कौन आएगा? विधायिका में संसद आएगी, लोकसभा, राज्यसभा। और विधानमंडल में कौन आएगा? विधान परिषद, विधानसभा। कार्यपालिका में कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ठीक। और राज्य के परिप्रेक्ष्य में कौन आएगा? गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट न्यायपालिका में आएगी। विधायिका क्या करती है? विधायिका विधि का निर्माण करती है, कानून बनाती है, ठीक है। विधानमंडल भी कानून बनाता है और राज्य की परिपेक्ष बनाता है। विधायिका केंद्र के परिपेक्ष बनाती है, ठीक है। अब कानून कैसे बनता है, ठीक है, आपको पता है कि दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। कोई भी विधेयक, अब ये बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा विधेयक कहाँ लाया जाता है, जब हम विधेयक पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जनरली समझ लीजिए, कोई भी विधेयक किसी एक सदन में आया, मान लीजिए लोकसभा में आया, फिर उस विधेयक पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, ठीक। वोटिंग होने के बाद उस सदन से वो पारित माना जाएगा, पारित होता है तो पारित माना जाएगा, फिर वो जाएगा अगले सदन में, अगले सदन में फिर वही चर्चा होगी, वोटिंग होगी, और वहाँ से भी पारित कर देता है तो वह जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक। राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, ठीक। यही कंडीशन हम राज्य के परिपक्ष में देखेंगे कि विधानमंडल या विधानमंडल में कोई विधेयक आएगा, विधानसभा से पास हो जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर सहमति दे देता है अगर, तो वह कानून बन जाएगा, ठीक। अब उस कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करेगी, ठीक। उस कानून को लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका काम ही होता है विधेयक द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना, ठीक। और उस कानून की जांच, उस कानून की वैधता की जांच करता है न्यायपालिका। इतना समझना है आपको। दूसरी बात, जो सदन संसद है, ठीक है, उसके सत्र होते हैं, और 19 सत्र मतलब होता है कि संसद का कार्य करने का, संसद का मतलब कार्य कर रही है, समझ लो, ठीक है। अधिकतम एक वर्ष में दो सत्र होना आवश्यक है। एक वर्ष में दो सत्र होना कंपलसरी है, और दो सत्रों के बीच की जो गैप होनी चाहिए, दो सत्रों के मध्य जो गैप होने चाहिए, वो अधिकतम अवधि आपकी 6 माह होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अधिकतम अवधि? 6 माह तक। कितनी होनी चाहिए अधिकतम अवधि आपकी? 6 माह तक। वैसे भारत में 3 सत्र होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं 3 सत्र, बताता हूँ, एक सेकंड देखिए। एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, और एक होता है बजट सत्र। कौन सा? एक होता है बजट सत्र, ठीक। और इन सत्रों के बीच में, अधिकतम दो सत्रों के बीच में गैप कितना चाहिए? 6 माह की। मान लीजिए एक सत्र ही चालू हुआ तो दूसरा सत्र तभी चालू होगा 6 माह के गैप के बाद। इतना समझ में आया? तो देखते हैं अध्यादेश होता क्या है, ठीक है। चलो अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। अध्यादेश, अध्यादेश एक अल्प अवधि का कानून होता है। क्या होता है? एक अल्प अवधि का कानून होता है जो राष्ट्रपति, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसका अंग है? कार्यपालिका का। राष्ट्रपति द्वारा तब जारी किया जाएगा जब संसद, मतलब कौन? विधायिका का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है,
17 वसन है, मतलब संसद कार्य नहीं कर रही है, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा। मान लीजिए एक सत्र चल रहा संसद का, चालू होता है जुलाई से, चलता है तो वो चलता है अक्टूबर तक, और दूसरा भी चालू हो रहा है दिसंबर से चालू हो रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल मान रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो जनवरी तक चल रहा है। अब समझ लो नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर में, ठीक है, या जनवरी के बाद, ठीक है, अगर कोई एक अर्जेंटली कानून बनाना किसी विषय पर, कानून तो विधायिका बनाएगी और विधायिका सत्र में है ही नहीं, तो क्या है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को, और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को पावर दी गई है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आप उस विषय पर, किसी भी जो भी विषय हो आपको, जो अर्जेंटली विषय लग रहा है उस पर आप कानून बनाइए, ठीक है। तो अध्यादेश क्या है, अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून है जो राष्ट्रपति द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा तब जारी किया जाएगा या तब बनाया जाएगा जब संसद सत्र में नहीं हो। ये समझ में आया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है नोट, अब नोट में क्या कह रहा है, देखो नोट में ये कह रहा है कि अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा जारी होता है ना कि विधायिका द्वारा। मैंने पहले भी कहा था कि कानून सिर्फ विधायिका बनाएगी, कार्यपालिका तो कानून को लागू कर रही है, लेकिन अध्यादेश की केस में कानून कौन बना रहा है, कानून बना रहा है कार्यपालिका, कानून बना रहा राष्ट्रपति, विधायिका नहीं बना रही, राज्यसभा लोकसभा नहीं बना रही है, तो ये ध्यान रखना। जबकि सामान्य स्थिति में कानून बनाती है विधायिका और कार्यपालिका लागू करती है, जबकि अध्यादेश के केस में कानून कौन बनाती है, कार्यपालिका बनाती है, विधायिका नहीं बनाती, ठीक है। चलो अभी देखो आर्टिकल 123, पहले कहा था कि आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के परिपक्ष में, ठीक है, और मतलब अनुच्छेद 213 राज्यपाल को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने की, और अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी विषय पर कार्रवाई करना जरूरी है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या, कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए। अब राष्ट्रपति को समाधान मतलब क्या, उसको कोई सपना आएगा क्या, नहीं, इनडायरेक्टली उसको मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद कहेगी कि महामहिम इस विषय पर कानून बनाइए, क्योंकि यार विधायक सत्र में नहीं, संसद सत्र में नहीं है, आप बनाइए। इनडायरेक्टली कौन कह रहा है, मंत्रिपरिषद कह रही है, ठीक है। तब राष्ट्रपति उस विषय पर जो कानून बनाएगा उसे अध्यादेश कहते हैं। कब, यदि संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि इस विषय पर कानून बनाना अत्यावश्यक है, ठीक है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश केवल तभी जारी हो सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से एक सदन सत्र में नहीं है। कब, जब संसद के दोनों या दोनों में से एक, संसद के दोनों या दोनों में से एक, एक दोनों ना हो सत्र में या दोनों में से एक ना हो सत्र में, तभी अध्यादेश जारी होगा, ठीक है। अब दोनों में से एक नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा, लोकसभा राज्यसभा से पारित कर दे, लोकसभा सत्र में है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो विघटित होती नहीं है, लोकसभा विघटित होती है, लोकसभा सत्र में ही नहीं, राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो लोकसभा जब तक सत्र में नहीं आएंगी तब तक वो कानून बनेगा ही नहीं, उस कंडीशन में वह अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अध्यादेश वही विषयों पर लागू होगा जिस पर संसद कानून बना सकती है। केंद्र के प्रतिपक्ष में अध्यादेश उन्हीं विषयों पर बनाया जाएगा जिसमें संघ केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य के परिपेक्ष में वही विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा जिस पर राज्य कानून बना सकता है, ठीक। दूसरा, अध्यादेश मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं करेगा, अध्यादेश मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है आर्टिकल 368 के तहत, 368 के तहत, कितने, 368 के तहत करना पड़ता है। और आपको एक बात बता दूँ, संविधान संशोधन पर कभी अध्यादेश नहीं लाया जाता, संविधान संशोधन पर कभी भी अध्यादेश नहीं लाया जाता, ठीक है। तो अध्यादेश मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं कर सकता, ठीक। तीसरा पॉइंट, अध्यादेश संसद का
सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक, क्या अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने की तिथि से, समझ लो आज अध्यादेश आया, ठीक है, आज अध्यादेश आया वो लागू है। जब जैसे ही संसद सत्र में आएगी तो उस दिन से 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। कब? संसद जैसे सत्र में आएगी तो उसके सत्र में आने के दिन से 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। उस 6 सप्ताह में क्या करना पड़ेगा? उस 6 सप्ताह में उस अध्यादेश को संसद के समक्ष रखना होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन होती है। पहला, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर सहमति दे देते हैं तो वह कानून बन जाएगा। वो जैसे ही 6 सप्ताह के अंदर संसद के समक्ष रखा, अगर वहाँ संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है 6 सप्ताह के अंदर तो वह कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति तो ऑलरेडी मिल चुकी है उसको, जरूरत नहीं बस संसद से पारित करना है, ठीक। दूसरा केस, यदि 6 सप्ताह के भीतर ही, 6 सप्ताह के अंदर ही कोई एक सदन उसको पारित नहीं करता तो वह अध्यादेश गिर जाएगा। तीसरी कंडीशन कि 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश को संसद के सामने रखा ही नहीं तो वह ऑटोमेटिकली अध्यादेश गिर जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक, अब देखते हैं अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। क्या देखते हैं? कि अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, ठीक। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह, ठीक है, और 6 सप्ताह। आपको 6 सप्ताह तो बता चुका हूँ मैं, अब 6 माह कैसे? मैंने पहले ही कहा था लेक्चर शुरू होते ही कि संसद के 2 सत्रों के मध्य की जो गैप होती है वो 6 माह होती है। मान लीजिए आज अध्यादेश आया, समझ लो आज संसद का सत्र का लास्ट डे था, कल संसद का सत्रावसान हो गया, कल समझ लो कल संसद का सत्र खत्म हो गया, और परसों किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता भी राष्ट्रपति को समाधान होता है कि परसों किसी विषय पर कानून बनाया जाए, ठीक है, तो वह अध्यादेश लाता है, अध्यादेश आता है, कानून बनता है अल्पावधि के लिए। अब दूसरा सत्र कब चालू होगा? 6 महीने के बाद। और जब सत्र चालू होगा तब वो 6 सप्ताह के लिए, 6 सप्ताह के बीच में, 6 सप्ताह के अंदर वह संसद के समक्ष रखेगा, लेकिन सत्र चालू होने के लिए 6 माह बाकी है, तो हुई ना अधिकतम अवधि 6 माह, ठीक। तो अधिकतम अवधि 6 माह, ठीक है, और 6 सप्ताह तक होती है, ठीक। यदि अध्यादेश संसद के सत्रावसान के तुरंत बाद जारी किया जाता है तो नया सत्र शुरू होने में 6 माह का समय होता है, अर्थात अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह होगी अधिकतम अवधि, ठीक। तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति संघ सूची की विषय पर और समवर्त सूची की विषय पर ही सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी करेगा। राज्य सूची के विषय पर कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। सेम कंडीशन मैंने पहले कहा था कि राज्यपाल के लिए सेम कंडीशन, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रखी है, संसद की जगह विधानमंडल रखी है, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज अ राष्ट्रपति राज्यपाल, ठीक। तो राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्त सूची के विषय पर जारी करेगा अध्यादेश, राज्यपाल राज्य सूची। अब ये सूची क्या होती है? सूची में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, मतलब संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्त सूची, ठीक है। और संघ सूची पे केंद्र कानून बनाए गए, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाए गए, समवर्त सूची पर दोनों कानून बनाए गए, ठीक है। तो संघ सूची में कितने विषय दिए? इनको विषय दिए गए, पहले 97 थे, अब 100 हो गए, 3 बढ़ा दिए गए, ठीक है। समवर्त सूची में पहले 47 थे, ठीक है, अब 5 बढ़ा दिए, 52 हो गए। और राज्य सूची में पहले 66 थे, ठीक है, अब 61 है, क्योंकि ये राज्य सूची के जो 5 विषय थे वह संघ सूची में डाल दिया, जैसे शिक्षा संघ सूची का विषय कर दिया पर राज्य सूची में था, ठीक है, ध्यान रहा, समझ में आया, ठीक। दूसरी कंडीशन, संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आया, ठीक। अब देखते हैं अध्यादेश का मूल्यांकन, अध्यादेश का मूल्यांकन कैसे करेंगे हम? अध्यादेश शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्या? अध्यादेश शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब कैसे विरुद्ध है? देखो आगे, यह विधायिका के कानून बनाने की शक्ति का अतिक्रमण करता है। सही बात है, कानून बनाने की शक्ति विधायिका को है, कार्यपालिका तो कानून लागू करती है, लेकिन अध्यादेश के किस में कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी गई है? कार्यपालिका को दे दी गई है, मतलब एक शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध में ये विधायिका की शक्ति का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक। कि विधि निर्माण का कार्य विधायिका का है न कि कार्यपालिका का, ठीक है। भूमि अधिग्रहण के लिए 3 बार अध्यादेश लाया गया बिहार में, ठीक है, बिहार में तो शायद 30-40 बार अध्यादेश लाया गया, ठीक। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें
लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ठीक है, या कार्यपालिका कानून बना रही है, विधायिका की शक्ति है कार्यपालिका बना रही है, लेकिन कानून एक अल्पावधि के लिए है, कुछ समय के लिए है, 6 सप्ताह के बाद तो इसको संसद के समक्ष रखना ही है। अगर संसद पारित नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ठीक है, तो व्यवहार में देखा जाए तो अध्यादेश की शक्ति अतिक्रमण नहीं करती, लेकिन कभी कभी जो चुनावी एजेंडे के लिए, अपने चुनावी लाभ के लिए जो पार्टियाँ होती हैं वह अध्यादेश का गलत उपयोग करती है। ठीक, तो अध्यादेश क्या था, इसके अधिकतम अवधि क्या होती है, इसको कैसे पास किया जाता है, या कब गिर जाता है, कब कानून बनता है, इसका मूल्यांकन यहाँ तक देखें। अब आखिरी में हम देख लेते थोड़े से इसके बारे में कुछ न्यायालय के कुछ डिसीजन आए थे। ठीक है, एक केस आया था न्यायालय में, किसका नाम था, आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970, आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970। उसमें कहा था न्यायालय ने कि अध्यादेश, न्यायालय के अनुसार अध्यादेश के संदर्भ में राष्ट्रपति के समाधान का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। न्यायालय ने क्या कहा कि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, मतलब राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कैसे भी उठ के कानून नहीं बना सकता, अध्यादेश नहीं ला सकता, उसको न्यायालय में उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ए के रॉय बनाम भारत सरकार 1982, न्यायालय के अनुसार अध्यादेश का पुनर्विलोकन किया जाता है। एक डीसी बागबा केस भी आया था बिहार राज्य के केस में, ठीक है, उसमें भी कहा था कि अध्यादेश का न्यायिक उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, अध्यादेश को हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, अध्यादेश के बारे में पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। ठीक, कि राज्यपाल 213 के तहत करेगा, राष्ट्रपति 123 के तहत करेगा, 6 माह 6 सप्ताह इसकी अधिकतम अवधि होती है। ठीक है, इसके इसमें उसको न्यायालय में चुनौती दे दिया जा सकती है। एक बात, एक क्वेश्चन, अध्यादेश की शक्ति विधायिका के समांतर नहीं है, मतलब अध्यादेश की शक्ति विधायिका के समांतर नहीं है, मतलब क्या होगा कि जब विधायिका भी सत्र में हो तब कार्यपालिका कानून नहीं बनाएगी? नहीं, जब विधायिका सत्र में नहीं हो, मतलब दोनों कार्यपालिका भी विधायिका दोनों एक साथ कानून नहीं बना सकती, उसके लिए विधायिका का सत्र में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लगी आपकी क्लास आज की? अच्छी लगी तो इसको और लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, और आगे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।